वी डू वन थिंग कि आप छुट्टी ले लो और अब हाफ डे में आज मेरे घर पर रेस्ट कर लो फिर शाम को मैं आपको आप, आपके घर पर जॉब कर दूँगा अब जैसे मैं उनके घर पे गई तो आ, अचानक से वो दरवाज़ा बंद हो गया तो अब इतनी देर कोई हवा नहीं आई थी जो वैसे दरवाज़ा बंद हो जाए तो मेरी झटके से आग खुल गई ऐसे अचानक कैसे दरवाज़ा बंद हो गया करके तो मुझे ना कोई शेडो दिखा एट हॉल हौ की साइड पे ब्लैक कलर में और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा करके कि इसने मीठा खा के निकली थी ये ऑफिस से क्योंकि ऑफिस का वो मेरा लास्ट डे था एंड उसके बाद ऑफिस का दिवाली की छुट्टी लग रही थी दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानोमल एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं जीमेल आईडी पे इंस्टाग्राम आईडी पे और अब हमने एक अपना व्हाट्सअप नंबर भी निकाल दिया ऑफिशियल जो कि इंस्टाग्राम के बायो में और आपको स्क्रीन पर अभी विजिबल हो रहा होगा तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा पैनोमल इंसिडेंट हुआ है आप हमसे शेयर कर सकते हैं मैं अक्षय वसी उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में आज का जो इंसिडेंट है वो हमें तनु ने शेयर किया तनु जो कि नवी मुंबई में रहती है और जो इंसिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एंड में तनु ने जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ है उसका सॉल्यूशन भी बताया है ऐसा सॉल्यूशन बताया अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो पहले ही कुछ प्रिवेंशनस आप ले सकते हैं पहले ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी पैरानोमल चीज़ से बचा सकती हैं तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं तनु ने पहले भी हमें एक स्टोरी शेयर की थी जो आज से तीन महीने पहले की थी लेकिन मैं जल्दबाजी में उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया था फिर तनु ने आज उसी स्टोरी को हमारे पास दोबारा भेजा और जब मैंने उस स्टोरी को सुना तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मैंने पहले इस स्टोरी को कवर क्यों नहीं किया उन्होंने बताया कि तनु जो है वो अपने ऑफिस डेली जो है अपने घर से पाँच किलोमीटर दूरी पे उनका ऑफिस है वहाँ पर वो जाती थी लोकल ट्रेन से उन्होंने कुछ रेलवे स्टेशन का नाम बताया लेकिन वो बहुत अजीब सा था और उनके घर से अप्रोक्सीमेटली दो स्टेशन दूर उनका जो ऑफिस था वो है और तनु जो है वो डेली ट्रेन में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती थी उन्होंने बताया कि उन्हें सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा हुआ करता था और डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट करवा रही थी सर्वाइकल का अभी कुछ टाइम पहले की बात है मेरे ख्याल से इस बात को एक महीना हुआ होगा जिस ऑफिस में वो जा रही थी उस ऑफ़िस में अचानक से उनके सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा उठ जाता है और उन्हें अचानक से चक्कर आने लग जाते हैं वहाँ पर और थोड़ी देर उन्हें जो है उनके जो आगे पीछे के कली हैं वो नॉर्मली एक चेयर पर बैठा देते हैं कि तनु अगर हो सके थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएगी जब वो उस चेयर पर बैठी थी सबसे पहला जो उन्होंने काम किया कि अपने पेन किलर्स खाए जो सर्वाइकल के लिए थे पेन किलर खाने के बाद उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद उन्हें नींद आ रही है तो उन्होंने अपने कलीग्स को बोला कि मैं चलने की हालत में भी नहीं हूँ और मुझे जो है बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे कोई सोल्यूशन बता दो या फिर मुझे कोई घर छोड़ दो तो वहाँ पर जो जिस ऑफिस में वो थी वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा था तो उनके कलीग ने बोला कि ये काम करो तनु साइड में ही मेरा घर है दो मिनट की दूरी पे मैं आपको वहाँ पे छोड़ देता हूँ वन बी एच के है घर में कोई भी नहीं है तो आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं पहले तो तनु ने इस चीज़ को बहुत बार मना किया कि वो ऐसे नहीं जा पाएंगी फिर भी जब उनकी सिचुएशन वर्स्ट कंडीशन में आती गई तो उन्होंने बोल दिया ठीक है मैं वहाँ पर जा रेस्ट कर लेती हूँ तो उनके फ्रेंड ने उन्हें कार में बैठाया और उनके साथ वो अपने घर तक गए गेट खोला उन्हें आराम से वहाँ पर रिलैक्स करवाया और बोला कि अभी जो है थोड़ा सा साढ़े ग्यारह बारह हो रहे तो रिलैक्स कर मैं छः साढ़े छः बजे तक आ जाऊँगा इवनिंग में उसके बाद मैं तुझे घर ड्रॉप कर दूंगा तो तनु ने बताया कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था वन बी का घर था अंदर सबसे अंदर एक कमरा था बाहर निकलती वॉशरूम किचन और एक हॉल जो है उनका दिख रहा था तो तनु ने बताया कि वो जो है अपनी सैंडल्स वगैरह उन्होंने उतारी और वो उनके बेड पे लेट गई और रेस्ट कर रही थी उनके जो फ्रेंड थे वो जा चुके थे वहाँ से तो तनु ने बताया कि मैक्सिमम 20 मिनट हुए होंगे उन्हें ऐसा लगा जैसे उस फ्लैट में उन्हें कोई घूर रहा है क्योंकि तनु के साथ पहले भी इंसिडेंट हो चुके हैं जिसके ऊपर हम एक नई वीडियो लेके आएंगे तो तनु इन चीज़ों से पहले भी निकल चुकी थी तनु को ऐसा लगा जैसे उस फ्लैट में उन्हें कोई घूर रहा है तो तनु ने बताया कि उनके गले में तुलसी जी की माला थी और एक लॉकेट था भगवान का तो वो इस चीज से बेफिक्र थी कि मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है इसके बाद वो वहाँ पर लेट कर रेस्ट कर रही थी थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई घूम रहा है किसी की प्रेजेंस उन्हें फील होनी स्टार्ट हो गई जैसे कोई एंटिटी है जो आगे पीछे है तो क्योंकि वो घर में अकेली थी उन्होंने क्या करा था जो मेन दरवाज़ा था उसे थोड़ा सा खोल दिया था ताकि थोड़ी सी नेचुरल हवा भी आती रहे क्योंकि अंदर थोड़ा एग्जॉशन ज़्यादा था तनु तो ने बताया कि जब वो बार बार खिड़की से उठ के देख रही थी तो इस साइड भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और दूसरी साइड भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और थोड़ा सा धूप आ रही थी तो वो ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा डरी हुई है बट अजीब सा उन्हें लग रहा था अंदर से तो थोड़ी देर में क्या हुआ जब तनु ने खिड़की की तरफ थोड़ा देखा और जाके अपने बेड पर लेट गई तो अचानक से वो जो गेट था वो बहुत स्ट्रॉन्गली बंद हुआ जैसे किसी ने बहुत तेज उस गेट को दे के मारा है। और तनु एकदम से शॉक हो गई वो लिटरली उछल गई जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि अक्षय सर ना तो वहाँ पे हवा थी ना वहाँ पे कोई हाथ मारने वाला था और वो गेट जो पुराने टाइम में काफ़ी मोटा लकड़ी का होता है जो खुद से नहीं हिल सकता उस गेट को किसी ने जगह पर दे के मारा तो तनु एकदम से उठी और वो इस चीज़ को देख ही रही थी वो थोड़ी सी आगे बढ़ी उन्हें ऐसा लगा नहीं मेरा इस कमरे से बाहर जाना सेफ नहीं है तो वो आप इस कमरे में आ गई उन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि यार मैं तेरे घर में ना थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही हूँ प्लीज़ मुझे ना मेरे घर छोड़ दे या मेरे को ऑफिस ले चल दोबारा तो उन्होंने जल्दीबाजी में बोला यार ऑफिस में काम ज़्यादा है मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा तो थोड़ा रेस्ट कर ऐसा कुछ भी नहीं है तुझे सर्वाइकल का पेन है चक्कर आ रहा है तो तुझे ऐसा लग रहा होगा और उन्होंने फ़ोन काट दिया तो तनु ये तो समझ गई थी कि भाई अब जितना भी टाइम स्पेंड करना है यहाँ पर करना ही पड़ेगा उनके पास और कोई चारा ही नहीं है यहाँ से जाने का थोड़ी देर उनके पास दिमाग में ये भी आया कि यार मैं लॉक करके थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊँ या लॉक करके चली जाऊँ लेकिन उनकी खुद की हालत ऐसी नहीं थी कि वो लॉक करके कहीं जा पाए उसके बाद वो वहाँ पर बैठी हुई थी कमरे में जहाँ पर बार बार भगवान का नाम वो ले रही थी तो अचानक से जो वॉशरूम था उसका टैप अपने आप चल पड़ा और उन्हें पानी गिरने की आवाज़ आई वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी इस टाइम पे उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत करी और वो बाथरूम में गई और बाथरूम में जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर वाटर टैप अपने आप चला हुआ है उन्होंने उस वाटर टैप को बंद करा और वो वापस अपने कमरे में आ गई उन्होंने दिमाग में अपने बार बार जो है भगवान का नाम जपना शुरू करा भगवान का नाम जपना शुरू करा तो उन्हें अचानक से दूर ऐसा लगा जैसे कोई एंटिटी खड़ी है और वो बिल्कुल ब्लैक थी और वो एक किसी आदमी की थी जिसकी हाइट कम से कम पाँच दस थी इसको देखने के बाद तनु जो थी बहुत ज़्यादा डर गई और आप खुद सोचिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप अपने घर में भी नहीं हो किसी और के घर में हो और ऐसी कोई चीज़ देख लो तो आपका क्या ही हाल होगा कैसे ना कैसे वक्त बीतता गया बीतता गया बीतता गया तनु अपने पूरे टाइम दिमाग में भगवान का नाम लेते रही और सात बज के दस मिनट पर उनके जो कलीग थे वो आए और यहाँ पर भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बहुत हैरानी वाला था तनु ने बताया कि उनके जो फ्रेंड थे वो बाहर से बैल बजा रहे थे लेकिन तनु को कोई भी बैल बजने की आवाज़ नहीं आई एट दी एंड जब उन्होंने देख लिया कि शायद तनु सो रही होगी तो उन्होंने कॉल करा तनु ने कॉल पिक किया तो तनु बोली कि आपने मुझे बैल बजा देते हैं वैसे भी तो उनके फ्रेंड ने बताया कि मैं अब तक कम से कम पच्चीस से तीस बार बैल बजा चुका हूँ तो तनु ने बोला कि मुझे एक भी बार बैल सुनाई नहीं दी इसके बीच में मुझे एक इंसिडेंट हुआ था जो सबसे डराने वाला था जब उनकी कॉल आई ना और तनु जब गेट खोलने जा रही थी तनु ने बताया कि जब उन्होंने तीन चार कदम आगे रखे और वो कमरे से बाहर निकल के वॉशरूम और किचन के आस पास पहुंची तब उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बॉडी में से कोई पास होके निकला जैसे कोई हवा एकदम से झोंके की तरह उनको लगी और यहाँ पर आके जो है वो थोड़ा फ्रीज हो गई जैसे आपने देखा होगा ना मूवीज में एकदम से कोई हवा निकल के गई तो हम एकदम से यू हो जाते हैं वैसे ही तनु के साथ हुआ एकदम से तनु को कोल्ड हो गया बिल्कुल जैसे जुकाम एकदम से बॉडी बहुत ज्यादा अजीब सी हो गई फिर भी तनु ने कैसे न कैसे कदम बढ़ाया और वो गेट खोला और उन्होंने अपने कलीग को साफ बता दिया कि देख भाई तेरे घर में कुछ ना कुछ गलत है और मुझे लगता है कि तुझे ये फ्लैट छोड़ देना चाहिए या फिर तुझे थोड़ा सोचना चाहिए कि तू कहाँ रह रहा है तो उनके जो कलीग थे उन्होंने बोला देख मुझे यहाँ पर रहते ना कम से कम तीन चार महीने हो गए और मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ और क्योंकि तेरा सर्वाइकल का पेन है चक्कर आ रहे हैं तो तू ऐसी चीज़ें सोच रही होगी तेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही होगी और तनु को लिटरली बहुत बुरा लग रहा था कि वो किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रही है उसी के भले के लिए और उसका मजाक बनाया जा रहा है तो तनु ने बोला कि अक्षय सर मैंने उसे ज़्यादा नहीं समझाया ऑब्वियसली मेरा घर थोड़ी नहीं और वो वहाँ से निकल के अपने घर आ गई उसके बाद उनकी जो हालत थी ना वो थोड़ी अजीब से रहने लगी जैसे वो काफ़ी वीक रहने लगी उन्हें ऐसा लगता था कि बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो रखी है और फिर टाइम आया दिवाली का उन्होंने अपनी मदर को बोला कि मम्मी चलो यार थोड़ा मार्केट चलते हैं मेहंदी वहंदी लगवा के आएंगे तो तनु जब जा रही थी दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड था तनु ने बताया कि एक फ़ीमेल एंटिटी इक्कीस से बाईस साल की लड़की फॉलो कर रही थी काफ़ी टाइम पहले से मतलब उन्हें एक दिन पहले भी दिवाली से एक दिन पहले भी एक फ़ीमेल एंटिटी उनके साथ आगे पीछे जाती दिखी थी जिस ट्रेन से लोकल ट्रेन से वो ट्रैवल करती थी वो फ़ीमेल एंटिटी उन्हें ट्रेन में भी दिखी थी तो तनु ने मुझे बोला कि अक्सर सर हम डेली ना लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हमें लोगों के चेहरे तक याद हो जाते हैं तो हमारी कभी कभार कन्वर्जेशन भी हो जाती है हाय कैसे हैं आप कहाँ पर आप ऑफिस हैं आपका आप डेली यहाँ से ट्रैवल करते हैं लेकिन मैंने सोचा किसी से पूछू कि इस फीमेल को किसी ने देखा है बट उन्होंने सोचा यार पहली बार तो दिखी है क्या ये पूछना तो अगले दिन जब वो दिवाली के टाइम पर गई अपनी मदर के साथ तो उनको वो फीमेल एंटिटी जो है हर जगह दिख रही थी मतलब जिससे पहले दिन जब दिखी थी वो घर आ रही थी तो भी उनके पीछे पीछे आई तो उन्हें लगा कि हो गए इसे कुछ काम आगे पीछे ये है हर जगह वो एंटिटी उन्हें दिख रही थी जो तनु थी दिवाली वाले दिन जब वो मेहंदी लगवा रही थी तो वो एंटिटी उन्हें खड़ी दिखी वहाँ पे तो तनु फॉर श्योर ये हो चुकी थी कि मेरे साथ ही ये जो है आगे पीछे घूम रही है और कुछ ना कुछ पैरानोमल हो रहा है उन्होंने बोला कि मम्मी क्या आपको भी वो लड़की दिख रही है जो मुझे वहाँ खड़ी दिख रही है तो तनु की मम्मी ने देखा और बोला कि पागल हो गई है क्या वहाँ तो कोई भी नहीं है तो तनु ने अपनी मम्मी को बोला मम्मी ये पिछले दो दिन से लड़की मुझे दिख रही है और ऐसे ऐसे ये जो है जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ आती है अभी जब हम मेहंदी लगवाने आ रहे थे तब भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी तो उनकी मम्मी ने बोला कि कोई नहीं ये काम कर घर चलते तब देखते तो तनु को लगा कि अब हम घर जाएंगे तो मम्मी को बता दिए तो ये भाग जाएगी जब वो वापस आ रहे थे वो तनु को तब भी आती हुई दिख रही थी उनके पीछे और जब वो अपने घर में घुसे तो वो लड़की उससे पहले वाले दिन जिस दिन पहले दिखी थी तो तनु ने बताया कि तब तक तो अक्षय सर वो बिल्डिंग के बाहर रुक गई थी लेकिन आज वो घर तक आई और हम घर के अंदर घुसे और वो घर के गेट के बाहर आके रुक गई तो तन्नू की मम्मी ने पूछा कि अभी तक को दिख रही है तन्नू ने बोला कि मम्मी गेट के बाहर खड़ी है वो तो तन्नू की मम्मी ने बोला कि अंदर तो नहीं आ पा रही ना तन्नू ने बोला नहीं अंदर नहीं आ पा रही वो बोले चला अब अंदर आ जा उन्होंने गेट बंद करा उनके पापा को बताया उनकी दादी को बताया कि तन्नू को पिछले दो तीन दिन से ऐसा ऐसा हो रहा है तो उनके नोन में फीमेल थी जिनके अंदर दुर्गा माँ की कोई परछाई आती थी या फिर बहुत सिद्धि प्राप्त थी तो उनकी दादी ने बोला कि मैं उनसे बात करती हूँ वो ज़्यादा दूर है भी नहीं एक दो घंटे दूर है वो आ जाएंगी और देख लेंगी जो सिद्धि प्राप्त फीमेल थी जब वो घर पे आ गई तो तनु बेहोश हो गई थी और वहाँ पर दो तीन घंटे पूजा पाठ चला था उस दौरान तनु बेहोश थी तो तनु ने बताया जब उनके घर में दो तीन घंटे पूजा पाठ चला उस टाइम पर तन्नू बेहोश थी लेकिन उसके अंदर से कोई एक मेल बात कर रहा था और वो यही कह रहा था कि अभी कुछ टाइम पहले ये जो एक घर है ये उसमें गई थी और ये चीज जो फीमेल आ रखी थी उसे पहले से ही पता था कि तनु किसी के घर में गई है उन्होंने पहले ही तनु की मम्मी को पूजा पाठ करने से पहले बता दिया था कि ऐसे ऐसे ये किसी के घर में गई है वहां पर इसके पीछे एक साया लग गया दिवाली से पहले किसी ने कोई नजर उतारने वाला टोटका करा हुआ था तनु ने वहां पर भी पैर रखा है तो इसके पीछे दो एंटिटी आ रखी है मतलब दो काले साए आ रखे हैं वो जो लड़की थी वो किसी टोटके से आई थी जो तनु को घूमती हुई दिख रही थी और जिस पर्सन के घर पे तनु रह के आई थी उसके अंदर भी एक एंटिटी थी जो तनु के अंदर आ गई थी तो ये चीज़ बताई पूजा पाठ शुरू करा और तनु से पूछा गया कि तू कौन है तो तनु ने बताया कि मैं अक्षय सर बेहोश थी मेरे अंदर क्या था मुझे नहीं पता मम्मी ने बाद में बताया कि एक आदमी जो है बोलने लग रहा था कि ऐसे ऐसे अभी कुछ टाइम पहले मेरे घर पे आई थी मेरे घर पे मतलब एक्चुअल में वो जो एंटिटी थी वो उसका घर था तो वो असलियत तो सारी बाद में पता चली मैं बताऊँगा तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे घर पर आई थी और वहाँ पर मुझे बहुत सुंदर लगी मुझे काफ़ी अट्रैक्शन हुआ इनसे तो मैं इनके अंदर आ गया फिर उन्होंने पूछा कि भाई पूरी कहानी क्या थी तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं जो वहाँ पे उस फ्लैट में रह रहा था जिसमें अभी कोई और आ रहा है शायद इनका दोस्त है वहाँ पर मुझे कुछ टाइम पहले हार्ट अटैक आ गया था उन उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी चौबीस पच्चीस साल थी हार्ट अटैक आ गया था और आजू बाजू वालों को पता ही नहीं चला पिछले तीन चार दिन से वो जो बॉडी थी वहीं पड़ी रही फिर किसी ने देखा होगा कोई आ नहीं रहा कोई जा नहीं रहा लड़के को आखिरी बार जाते देखा था तब जाके वो बॉडी रिकवर हुई लेकिन उनका अंतिम संस्कार या क्रिया ढंग से नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो आत्मा भटक रही थी उसी घर में तो उस उन्होंने क्या करा तनु के ऊपर पोजेशन कर दिया अब काफ़ी टाइम तक पूजा पाठ चला तीन से चार घंटे पूजा पाठ चला तब वो जाके एंटिटी फ्री हुई और वो टोटके वाली चीज़ भी उन माता जो आ रखी थी सिद्धि प्राप्त जो थी उन्होंने उससे तनु से फ्री कर दी तो क्या हुआ कम से कम एक हफ्ते तक तनु छुट्टी पर रही थी ऑफिस में तो एक हफ़्ते बाद जब वो गई तो उन्होंने अपने दोस्त को जो कली गए उसको बताया कि देख भाई तेरे घर में ना ऐसे ऐसे कोई कुछ है एंटिटी तो दिखवा ले अपने ऑनर से पता कर तू रेंट पर आ रहा है तेरे को आते हुए तीन चार महीने हुए भगवान की दया से भी तुझे कुछ भी नहीं हुआ अगर कुछ हो जाएगा तो तेरी भी एक फ़ैमिली है जो गाँव में रह रही है तो पहली बार वो बोला कि तनु ऐसा है देख मुझे हमेशा ऐसा लगता था वहाँ पे मुझे कुछ स्टेयर कर रहा है मतलब घूरता रहता लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है कि तेरे ऊपर ऐसा पोजिशन हो जाएगा तो उसने अपने ऑनर को कॉल किया और बोला कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ पे किसी का मतलब हार्ट अटैक से डेथ हुई थी या कोई लड़का मरा था तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो गया ऑनर कि भाई मैंने तो इसे बात बताई नहीं इसे पता कैसे चला तो उसने बोला हाँ यार अभी आप जब आए थे उससे तीन महीने पहले एक लड़का रेंट पर आता था वो भी जॉब करता था तो वो उसकी डेड बॉडी मिली थी मे भी हार्ट अटैक से वो मर गया था तो उन्होंने बोला कि आपने अपना फ़्लैट क्लीन करवाया था तो ऑनर ने बोला हम वहाँ पर रहते ही नहीं हैं हमने वहाँ डेड बॉडी रिकवर करवा दी और हम हमने वो घर बंद कर दिया तो हमें नहीं पता था ऐसा भी कुछ होगा कि आप बता रहे हो कोई एंटिटी वहाँ पे है या नहीं है तो आप उनके जो फ्रेंड थे ये बात सुनने के बाद उन्होंने एक दिन के अंदर वो मकान खाली कर दिया एक दिन के अंदर और अभी तक उस मकान में कोई भी नहीं रह रहा क्योंकि लगभग आगे पीछे वालों को सबको पता चल गया था कि इसके अंदर एक एंटिटी रह रही है जो पहले जा चुकी है गुजर चुकी है लेकिन घर से बंद गई है अब तन्नू ने बताया कि अक्षय सर अक्सर आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो आपसे पूछा करते होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि तो हम टोटके से कैसे बचें किसी एंटिटी से कैसे बचें तो उन्होंने बताया कि जो आज की जनरेशन है ना वो इस चीज़ को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है वो जो देवी थी ना जो बीच में आई थी जिन्होंने तन्नू को ठीक किया था उन्होंने बताया कि अगर आपके घर वाले काला तागा दे रहे हो उसे प्लीज बांधो आपको ये ताबीज़ दिया जा रहा है बिल्कुल बांधो आप किसी मंदिर में जा रहे हो कलावा बिल्कुल पहनो अगर वहाँ से आप कोई लॉकेट ला सकते हो भगवान से टच करवा के बिल्कुल लेके आओ मतलब उन्होंने बोला कि जो भी हो सकता है ना प्रिवेंशन आपको अपने साथ रखना पड़ेगा अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो जैसे जो मेरे फॉलोवर और सब्सक्राइबर उनसे पूछते हैं कि, कि सर इसका सोल्यूशन क्या है भाई आप देखो कि घरों में पूजा होती है ना कलाबे बांधते हैं लड़के दो मिनट में तोड़ देते हैं कोई पूजा हुई तिलक लगाया हटा दिया और हर जगह ये चीज़ है तो आपको अपना सोल्यूशन खुद ले चलना पड़ेगा फिलहाल तनु जो है वो अब सेफ हैं उन्होंने कमिटमेंट दिया है हमें कि वो एक स्टोरी और बताएंगी जो उनके साथ पहले हुई थी मैं उसका वेट कर रहा हूँ ताकि मैं आपके सामने रख सकूँ क्योंकि स्टोरीज़ तो बहुत आती है लेकिन एंड में कंक्लूज़न मिलना कि भाई अगर ये चीज़ हमारे ऊपर हो रही है और हम इससे कैसे बच सकते हैं तो उन्होंने बताया जो फ़ीमेल आई थी उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया गले में और उस ताबीज़ में एक चक्कू भी था तो उन्होंने बताया थे कि आज के बाद तनू को कोई हाथ नहीं लगा सकता ये जो चक्ू है लोहे का है और ये हमेशा इसकी जो है प्रोटेक्शन करेगा तो अगर आपको लगता है कि आपके आगे पीछे कोई है या कुछ है पहली बात तो तनु ने बताया कि जब वो पोजेशन उनके ऊपर आया था ना वो तनु को उठने ही नहीं देता था टाइम पे मतलब तनु ऑफिस से जाने से पहले पूजा किया करती थी तो तनु पिछले दो दिन से क्या कह रही थी मम्मी मैं थक गई हूँ मेरे को ऑफिस जाना में लेट हो रही पूजा आप कर लेना तो सिम्टम्स तो यहीं से ही पता चल जाते हैं कि अगर आपके ऊपर कुछ है तो आपको खुद से भी थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा तो दोस्तों अभी तनु बिल्कुल सेफ है और मुझे ऐट दी एंड कंक्लूजन बहुत सही लगा कि उन्होंने एक्जैक्टली exactly मुझे बताया कि इससे कैसे बचा जाए अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और आप रिकॉर्डिंग भेजते हो मुझे व्हाट्सअप पर तो कोशिश करना है कि आपको सोल्यूशन कैसे मिला वो आप मुझे ज़रूर बताएं अगर कोई करने भी आया था सोल्यूशन हालांकि मैं चाहूँगा नहीं आपके साथ कुछ ऐसा हो लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हैं नंबर आपको दिख रहा होगा यूट्यूब इंस्टाग्राम भी आपको दिख रहा होगा वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर हर ऑल्टरनेट डेज़ में रील आती है यूट्यूब पे वीडियो आती है डेली निकाल रहा हूँ मैं अब तो फिलहाल सब्सक्राइबर की डिमांड ऐसी है आप लोगों ने प्यार इतना दिया है मैं यही चाहूंगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ तो हमें शेयर कीजिए मैं आक्षट करूँगा अपनी आवाज़ में तब तक के लिए स्टेट विद द चैनल इनसे पूछो करके कि इन्होंने कोई उन्होंने सब कुछ बता दिया मेरे बताने से पहले ही उन्होंने बताया कि ये कहीं गई थी इन्होंने एक एंटिटी देखी थी और वो एंटिटी और इनका आई टू आई कॉन्टैक्ट हुआ हुआ है तब से ये एंटिटी इसके पीछे आ गई है और वो एंटिटी इसके पीछे है ठीक है ये अभी इसको रियलाइज़ नहीं हो रहा है विद इन फ्यू डेज आपको इनके चीज़ों में चेंजेस दिखने लग जाएंगे तो और सेकेंड एंटिटी ये जब रोड पे आ रही थी इसने आ, जो बोलते हैं ना नज़र वगैरह उतार के फेंक देते हैं दिवाली के टाइम पर कुछ करके फेंक देते हैं काला जादू वगैरह इसने उस चीज़ पे पैर रख दिया है